हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो फाइनली जाकर के एमएसटी सीईटी के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि रिजल्ट आउट होने के बाद उन्होंने लाइव सेशन में बच्चों को परेशान किया एंड क्या कहूं, ठीक है। लेकिन उसके बाद का प्रोसेस किसी ने भी नहीं बताया, किसके बाद क्या होगा, क्या आपको कब रैंक आपको मिलेगी। बच्चे पूछ रहे थे कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ गए मेरे पास कि रैंक कब मिलेगी भैया, और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, और कैसे क्या होगा। हमें थोड़ा सा क्लियरेंस कीजिए क्योंकि दिमाग में अभी यही चल रहा है, ठीक है। मेरे कम परसेंटाइल आए हैं तो मेरे नंबर तो अच्छे थे, क्यों कम परसेंटाइल आ गए, ये मेरे तो ज्यादा थे, मतलब मैं सोच के चल रहा था कि मेरे कम आएंगे, ज्यादा आ गए किसी के, तो इस तरीके का हुआ है बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो हर एक चीज को, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, पूरा काउंसलिंग का भी देखेंगे कब स्टार्ट होगा, ठीक है। इस वीडियो को बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से देखना, जिससे कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं ना एमएसटी सीईटी को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला नोट आपको बताऊं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनके ज्यादा परसेंटाइल आ सकती थी उनके कम आए हैं, सबसे पहली चीज, आपने हो सकता है मार्क्स कैलकुलेशन में गलत की हो, पहली चीज। अगर वो सही है तो दूसरा हो सकता है कि आपका शिफ्ट जो है वो इजी था, ठीक है। अगर इजी शिफ्ट होता है तो ज्यादा मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल बनते हैं। तो इस डाउट को क्लियर हो गया, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा डाउट आता है कि भैया हमारी जो रैंक है वो कब मिलेगी, क्योंकि हमारे पास अभी परसेंटाइल आया है तो रैंक कब मिलेगी। तो देखो यार, आपकी जो रैंक है ना, सबसे पहली चीज आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, काउंसलिंग प्रोसेस होगा, एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट होने वाला है। लगभग एक हफ्ता मान लो, एक हफ्ते के अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे काउंसलिंग के, एमएसटी सीईटी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जितने बच्चों ने भी रजिस्टर किया होगा एमएसटी सीईटी के अंदर, उन सभी बच्चों के हिसाब से उनको रैंक दी जाएगी। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे सीईटी का पेपर ऐसे ही दे देते हैं, तो वो एमएसटी सीईटी का दिमाग क्या है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम सबको इंडिविजुअली अभी रैंक दे देंगे तो हमें काउंसलिंग में कराने में दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए, उन्होंने पेमेंट कर दिया, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि वो रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो उस हिसाब से सभी बच्चों को जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जाकर के आप लोगों को रैंक अलॉटमेंट हो जाएगी, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने बता दिया, काउंसलिंग प्रोसेस आपका कब से स्टार्ट होगा, एक हफ्ते बाद, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, किसी के 70 परसेंटाइल है, किसी के 80 परसेंटाइल है, परसेंटाइल वालों को कॉलेज मिल सकता है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यार आपके लिए काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है और ये ऑलरेडी लॉन्च हो रखा था, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोग किस चीज का वेट करो, जल्दी से ज्वाइन करो, जिससे कि आपकी पूरी चॉइस फिलिंग का जिम्मा जो है, ठीक है, पूरी प्रेफरेंस लिस्ट जो आप लोग सोच रहे हो कि क्या बेस्ट हो सकती है, वो हर एक चीज जो है वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हर एक डाउट, हर एक चीज जो होगी वो प्रोवाइड होगी इस काउंसलिंग के अंदर। इसका प्राइस ओनली 999 रुपीज है और 999 में कोई भी आपको काउंसलिंग नहीं कराएगा। और मैं आपको एक चीज कह दे रहा हूं, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए जो बीटेक करना चाह रहे हैं, इंजीनियर्स जो हैं, बी फार्मा के लिए नहीं है, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जाके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको जोसा के साथ, किसी और के साथ भी बाय करना हो तो कर सकते हो, ओनली एमएसटी सीईटी भी बाय कर सकते हो। ज्वाइन नाउ, क्योंकि अब सोचने का वक्त नहीं है, अब ज्वाइन करने का वक्त आ चुका है। तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो, जल्दी से ज्वाइन करते ही आप लोगों को थोड़ी देर में ही व्हाट्सएप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होते ही समझ आ जाएगा कि हाँ भाई कंफर्मेशन मिल गई कि ऐड हो गए हम लोग, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं जल्दी से ज्वाइन करो। सुबह से यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।